This program is sponsored by Orient Best Solutions Private Limited. Best are smart, we are smarter. It's co-sponsored by Ayush Communication, the best security solution. Be safe at your home or complex. তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী আয়ুব খানের নেতৃত্বে ও আজগা খানের উদ্যোগে 19 জানুয়ারি ব্রিগেড চলোকে সমর্থন জানাতে 79 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল সমর্থকরা একটি মিছিল আয়োজন করে। সমর্থকরা এই মিছিলে পার্টি স্লোগান গিয়ে সাধারণ মানুষকে ব্রিগেডে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান দেয়। দেখেছিলাম যে বাংলা মাকে, জন্ম নিয়ে দেখেছিলাম যে বাংলা মাকে, এসো তাকে নতুন করে দেখি দিদির চোখে, এসো তাকে নতুন করে দেখি দিদির চোখে। হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষের জয়। তারি প্রতীক দিদির লড়াই অনেক বড়, শত তারি প্রতীক দিদির লড়াই অনেক বড়, শত তারি প্রতীক দিদির লড়াই অনেক বড়, পারবে না আটকাতে তাকে যতই আঘাত করো, পারবে না আটকাতে তাকে যতই আঘাত করো। হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, হবে মা মাটি মানুষের दीदी के नेतृत्व में 19 तारीख के लिए रैली निकाले हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं आज हम लोग सब कर्मी मिलकर ये रैली निकाले हैं। 19 तारीख को हम लोग यहाँ से ज़्यादा कर्मी दीदी के नेतृत्व में ब्रिगेड चलेंगे और उनके नेतृत्व में जो दीदी हम लोग चाहते हैं कि हमारा बंगाल का ऐसा एक मंत्री है, पीएम है, जो दिल्ली में जो यहाँ का बंगाल के पीएम आज तक नहीं बने, वो पीएम दिल्ली में सीएम बन के उनका पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और जितने भी मंत्री हैं जो बिहार यूपी से आ रहे हैं 19 तारीख को, वो सब उनका हाथ मजबूत करके उनको पीएम बनाने की कोशिश करें और हम लोग बीजेपी को जड़ से यहां से मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह देश बचाओ। इस रैली का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे जो बीजेपी सीपीएम करता है कन्फ्यूजन में रहते हैं, काफ़ी अफवाह उड़ाया जाता है तृणमूल कांग्रेस के प्रति, तो तृणमूल कांग्रेस में हम सब ये जानना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि और सब पार्टी जो व्हाइट शर्ट की तरह है, व्हाइट रंग की तरह है, जो कोई भी रंग में ढल सकता है, पर तृणमूल कांग्रेस एक काला कपड़ा की तरह है जो कोई भी रंग ढालने से नहीं ढलेगा। और तृणमूल कांग्रेस बहुत ही देश के लिए बहुत ही तरक्की के काम किया है, आप सब देख सकते हैं। और हम नौजवान मैंने एकदम कंधे में कंधे मिलाकर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जाना फिरा था कि इनको इस वार्ड से, इस क्षेत्र से हमेशा वही नेतृत्व चाहते हैं और हम चाहते हैं जितना जल्द से जल्द जब भी इलेक्शन हो वो ममता बनर्जी को दिल्ली में पीएम के रूप में देखें। और कुछ इस रैली को कुछ हमारे जो भाई हैं, जो साथी हैं, जो
ये सक्षम किए हैं, कुछ नाम जैसे विनोद श्रीवास्तव जी हैं, किशन महतो जी हैं, विष्णु दुबे, जनाब अजगर भाई, विश्वजीत सिंह, ओम यादव और मैं खुद प्रदीप ओझा, लल्लू महतो, काम प्रकाश कानू, इंद्रजीत सिंह, सभी के योगदान रहा है और सब भाइयों कंधा में कंधा मिलाकर तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जब तक पीढ़ी चलती रहेगी तब तक तृणमूल कांग्रेस का नाम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जनाफ राधा के जिंदाबाद। हमारे बीच ऐसे बहुत से इस भूगलास अंचल के और खिदीपुर अंचल के बहुत से ऐसे हमारे भाई जो राजनीति करते हैं और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इस जो मीटिंग का हम लोग का महत्व है और हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आगामी 19 जनवरी हम लोग जो बहुत से पार्टी, बहुत से राज्य से बहुत से पार्टी आ रही है, बहुत से डेलीगेट पर्सन होके, बहुत से सीएम, बहुत से 23 राज्य, जहां तक हमको पता है 23 राज्य उस दिन ब्रिगेड में रहेंगे हमारी ममता बनर्जी को सहयोग करने के लिए कि आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है उस इलेक्शन में हम लोग कैसे लड़ें, विरोध ममता विरोध हम लोग का जो हमारे पीएम है मोदी जी उनके विरोध में सभी यहाँ पे एकत्र होंगे और 19 जनवरी को हम लोग यहाँ पे सबको दिखाएंगे हमारी ममता बनर्जी को 19 जनवरी का लेके कि हम दीदी आप सामने रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और यहाँ पे जितने भी कलकत्ता के वासी हैं या बंगाल के वासी हैं सब यही चाहते हैं कि हमारी इस मगरी बंगाल की जो नेत्री है ममता बनर्जी वो आने वाले दिन में इस दिल्ली की सल्तनत पे बैठे और हम उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आने वाले 2019 के इलेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मीडिया भाइयों का और प्रशासन का जो आप लोग हमारे साथ आए, हम लोगों की बातों को वहां तक पहुंचाए। आप सभी को धन्यवाद और हमारे जितने भी भाई हैं जो यहां पे उपस्थित हुए हैं और इस मिचिल को सक्षम बनाया है, मैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं तहे दिल से। भारतवर्ष जो परिस्थिति सारा भारतवर्ष एक नैराज्य सृष्टि हो अपनारा जाने भारतवर्ष प्रधानमंत्री मोदी যিনি সারা ভারতবর্ষে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারছে না, চারিদিকে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, হাহাকার সারা ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে, পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে, জিএসটি থেকে নিয়ে নোটবন্দি থেকে নিয়ে বিভিন্ন রকম নিজের মনের মতো করে আজকে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, গরিব লোক খেতে পাচ্ছে না, এই কথা চিন্তা রেখে সারা ভারতবর্ষে বাংলার জননেত্রী বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জি ঠিক করেছে যে পশ্চিমবাংলায় আপনি দেখেছেন কৃষকদের উন্নয়ন, জঙ্গল থেকে পাহাড় সমস্ত কিছু উন্নয়ন হচ্ছে, সেই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সারা ভারতবর্ষের যত ফেডারেল ফ্রন্ট, মানে আমরা চাইছি ভারতবর্ষে যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আছে এমন অনেক দল আছে যারা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেছে এবং 19 তারিখে আমাদের ব্রিগেডে এক বিশাল জনসভা, এই জনসভায় আমাদের 79 ওয়ার্ড, 78-77 এই একটা পোর্ট বন্দর অঞ্চল যেখানকার মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মহাশয় এবং এই অঞ্চলে আমাদের যারা যুব এবং ছাত্র ভাইরা আছে যেমনি প্রদীপ থেকে নিয়ে বিনোদ থেকে নিয়ে আমাদের আসগর ভাই থেকে নিয়ে আইএনটিটিসির ফারুক ভাই, গোরে ভাই এবং আসপাক থেকে নিয়ে বিশ্বজিৎ ছাত্রনেতা, এমন অনেকে আছে আজকে কেউ ঘরে বসে নেই। এই 19 তারিখের সাফল্যের জন্য ছাত্র, যুব, মাদার, মহিলা সকলে একসাথে নেবে। আমরা এই অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক ব্রিগেডের জনসভায় গিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে বাংলার জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের মসনদে বসবার জন্য আমরা তৈরি আছি, এইখানকার ছাত্র পরিষদ তৈরি আছে, আইএনটিটিসি যুব মাদার ববি হাকিমের নেতৃত্বে আমরা সকলে তৈরি আছি এবং 19 তারিখে আমি এখানকার সকলকে আহ্বান করব যাতে ব্রিগেডের জনসভায় সকাল সকাল, সেদিন কেউ নিজের ঘরে রান্না করবে না, সেদিন কেউ কোনো কাজ রাখবে না, কেন ভারতবর্ষ থেকে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রাখার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে সেই সময় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাই সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একসাথে হয়ে আমরা বাংলার মসনদে মমতা ব্যানার্জিকে পাঠাবার সেদিন আমরা প্রতিশ্রুতি নেব। এই কথা যে হিন্দ বন্দে মাতরম, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, ববি হাকিম জিন্দাবাদ, মা পার্টি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ।